गंगा नदी पर कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का निर्माण कार्य आज से शुरू हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। पुल के कार्यारंभ के मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन राघोपुर के मोहनपुर में होगा। इस पुल का निर्माण कार्य 4.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इसके निर्माण कार्य में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बनने वाले 6-लेन पुल को लेकर सियासत चरम पर है। विरोधियों को जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार पुल का शिलान्यास करने नहीं बल्कि काम शुरू करने जा रही है और अभी कल उसका कार्यारंभ होने जा रहा है, जो कि शिलान्यास और कार्यारंभ के बीच में मात्र 3-4 महीने का समय लगा है। जरा सोच लीजिए, आई लोगों को कुछ लगता है बोलते हुए, अब बोल देते हैं कि पाया पाया का शिलान्यास होगा, तो यही तो करते रहे सब, यही ये लोग करते रहे। जब मेरे साथ थे तो जाते नहीं थे, अब बोर्ड में अपना नाम लिखाने के लिए इंसिस्ट करते थे, तो ये उन लोगों की आदत है। यहां तो शिलान्यास हुआ है, उस शिलान्यास के बाद कार्यारंभ हुआ। इनको लोगों को बात बात पर कलेजा फटता तो हम क्या करें, अब हम सर्जन और डॉक्टर तो हो नहीं जाएंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुल के शिलान्यास पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उस टाइम टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, कौन इसको बनाएगा निर्माण करेगा ये तय नहीं हुआ था। ये ऐतिहासिक पुल बनने जा रहा है, हिंदुस्तान का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज बनने जा रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर सुशील मोदी ने पलटवार किया है। ये जो बिदुपुर गंगा नदी पर बिदुपुर और राघोपुर के बीच में पुल का जो कार्य प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि नीतीश जी ने 8 महीना पहले शिलान्यास किया और आज वो कार्य प्रारंभ करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो शिलान्यास क्या होता है। केंद्र के स्मार्ट सिटी योजना के पहले फेज में बिहार के किसी भी शहर को शामिल नहीं किए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी पर केंद्र सरकार ने प्रपोजल मांगा था, लेकिन अब अपने इरादे से केंद्र सरकार पलट गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र में अंधेर नगरी का राज है। अपने तैयार कराए गए प्रस्ताव पर ही वो अमल नहीं कर रहे, अब वो मात्र 20 पर कन्फाइन कर रहे, और जब 20 का चयन उन्होंने किया है ये उनकी मर्जी, यहाँ तो कोई उनके सामने नियम कानून है नहीं। इन दिनों तो देश में और कुछ चल नहीं रहा है, न कोई मर्यादा है न कोई नियम है। स्मार्ट सिटी बनाने का उनका फैसला है, स्मार्ट सिटी के चयन के लिए मापदंड तय करने का उनका फैसला है, और उसके बाद विभिन्न राज्यों में चयनित करने का भी उनका फैसला है, और उसके बारे में शर्त रखने का भी उनका फैसला है, और सारे उनके शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्ताव भेज दिया गया, तो इसके बाद भी अपने पूर्व के लिए गए निर्णय से पलट जाना यह भी उनका फैसला, यही है अंधेर नगरी। स्मार्ट सिटी के मामले में जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार का बचाव और राज्य सरकार पर प्रहार किया है। स्मार्ट सिटी का जो डिक्लेरेशन हुआ है उसके में बिहार, उत्तर प्रदेश और कई एक राज्य नहीं आ सके हैं। इस संदर्भ में हमको खूब याद है कि स्मार्ट सिटी बनाने के संदर्भ में कुछ मानदंड होते हैं, और वे सारे मानदंड के साथ अनुशंसाएं भेजनी पड़ती है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के पहले सप्ताह में वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट पेश होगा। अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 23 बैठकें होंगी।
बिहार सरकार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी सरकार का बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अलग अलग विभागों से विचार विमर्श शुरू कर दिए हैं। लड़की अपहरण मामले में आरा के बखोरापुर काली मंदिर प्रबंधन भी अपने बयान से पलट गया है। मंदिर के प्रवक्ता का कहना है कि यहां तो रोजाना कई हाई प्रोफाइल लोग आते हैं। उनको कोई देखा नहीं है मंदिर पर, कोई पहचानता नहीं है, ना उनका कोई यहां पर रिश्तेदार है कि सिद्धार्थ जी हैं, कि राजा रामचंद्र जी हैं, कौन जी हैं। वहां पर डेली हजारों लोग आते हैं जिसमें सैकड़ों शादी होता है। कुछ लोग ट्रस्ट से रसीद कटवा कर करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बगल के मंदिर पर कर लेते हैं। तो जो लोग रसीद कटवाते हैं, लड़का लड़की का हम लोग उम्र देखते हैं, सम्मानित तरीके से गार्जियन के साथ आया है कि नहीं, वो सब हम लोग देखते हैं। और जो सम्मानित तरीके से होता है उसी का वहां पर शादी होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। मंदिर प्रबंधन ने कहा था कि विधायक सिद्धार्थ शादी के सर्टिफिकेट की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रबंधन ने विधायक की मांग को इनकार कर दिया था। मसौढ़ी से कथित तौर पर अगवा की गई लड़की निधि का शनिवार को मसौढ़ी कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया। निधि ने अपने बयान में अपहरण से इनकार करते हुए अपनी मर्जी से प्रेमी पंकज के साथ शादी की बात स्वीकार की है, साथ ही अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह पर निधि के अपहरण करने का आरोप लगा था। निधि ने घर से फरार होने और पंकज से शादी करने में विधायक के किसी भी रोल से इनकार किया है। निधि के इस बयान से विधायक ने राहत की सांस ली। गया में डॉक्टर पिटाई मामले में आरोपी रंजीत यादव की मां विधायक कुंती देवी पहली बार सामने आई है। कुंती देवी ने पूरे मामले में डॉक्टर को दोषी करार दिया है। कुंती देवी ने कहा है कि उनका बेटा रंजीत यादव अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ मिल रही शिकायतों के मद्देनजर हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर के साथ तो वही हुआ कि फाइल मांगा कि देखेंगे। डॉक्टर साहब कहा कि हम विधायक के भाई हैं, जो हमको तुम का प्रमुख है तो का कर लीजिएगा। तो ये कहा कि सब प्रमुख हैं तो हम देख नहीं सकते हैं कि कितना सरकार दावा भेजा है, कितना आप लोग दे रहे हैं, कितना बेच रहे हैं। तो वही ने मनो कि नशे के धुर ने उठे भैया लाओ, गिर गया कुर्सी पर से। खुद गिर गए? अपने गिर गए। मुंगेर के धरहरा के बंगाली बांध में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए। बंगाली बांध के जंगली इलाके में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। चरका पत्थर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें धरहरा के एसआई भवेश कुमार के गर्दन में गोली लग गई। इलाज के दौरान ले जाते समय उनकी मौत हो गई। दरभंगा के सिटी एसपी हरकिशोर राय ने वार्ड पार्षद रीता सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। रीता सिंह पर 1,40,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। तीनों के कांड का अनुसंधान चल रहा था, अनुसंधान के दौरान चेक बाउंस होने की पुष्टि हुई है, उसके आधार पर कांड को सत्य पाया गया है, उसमें गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त जिस जमीन के लिए एक कांड में पैसा लिया गया वो हाउसिंग बोर्ड की जमीन होने की बात की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर गिरफ्तारी का आदेश दिया। लहरिया सराय के कारोबारी उदय शंकर यादव ने आरोप लगाया है कि रीता सिंह ने राज्य आवास बोर्ड की जमीन को अपना बताकर उन्होंने 1,40,00,000 रुपए ले ली। 1,13,75,500 रुपया जिसमें हाउसिंग बोर्ड का भी जमीन है और मालिक प्रतिनिधि और एजेंट नियुक्त हुए थे रीता सिंह, और 27,00,000 रुपया मेरे पत्नी से, टोटल 1,40,75,500 रुपया हमसे ले लिए। न जमीन दे रहे हैं न पैसा दे रहे हैं। पांच पांच मामला जो है सो उन पर वारंट है। 3 जो है सो लहरिया सराय थाना का है और 2 जो है लहरिया सराय कोर्ट का। वार्ड पार्षद रीता सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कागजात में छेड़छाड़ कर उनके ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं। तो पंच ने मुझे सादा कागज पे दस्तखत करा के लिया और 1,000 का एक स्टाम्प पेपर लिया। वो स्टाम्प पेपर मेरे पास है और दस्तखत किया हुआ कागज है, हमने पंच के पास जमा किया। पंच सारा फैसला कर दिया,
कहा कि स्टेट को रुपया वापस हो जाएगा जो बाकी रुपया है, और इधर पंचायत भी कराता था, इधर मुकदमा भी कराता था, और उसके बाद वो पंचायत करने से एक वकील साहब के साथ गया और कहा कि मेरा कागजात दे दीजिए, हम उससे लड़ेंगे, पंचायत नहीं करेंगे। हम पंचायत का भी बहुत प्रयास किए, लेकिन उसके मन में खोट है, उसके मन में बेईमानी है। बेगूसराय पुलिस ने मानव तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 3 बच्चों को मुक्त कराया है। साथ ही मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। महिलाएं इन बच्चों को दार्जिलिंग ले जा रही थी। खाने को अच्छी तरह से दे नहीं सकते, हम लोग का पूजा में बैठता था और वो शाम को हमारे मकान में छोड़ देता था, और इन लोग से आपस में एक रिश्ता अच्छा हो गया कि वो जब भी आता था उसको शाम को रिसीव कर देता था, लेकर जाता था ना, और इन उसने बोला कि दीदी आप लोग तो अच्छा आदमी है ना, मेरा इतना इतना बच्चा है, पाल नहीं सकता है, एक वक्त का रोटी भी अच्छे से नहीं, और इसका दूसरा बच्चा तो ना पूरा मांगता है पैसा, हम बोला पढ़ाओ ना, इधर में तो संस्था के स्कूल बोलने से नहीं। दार्जिलिंग से इन बच्चों को भूटान भेजा जाता और वहां इनसे मजदूरी कराई जाती। हिरासत में ली गई महिलाएं दार्जिलिंग की रहने वाली है। पुलिस इन महिलाओं से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। पटना पुलिस को ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। पटना के SSP ने 5 मामलों का खुलासा करते हुए 25 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने रूपसपुर थाना के अपराधी गुड्डू कुमार की निशानदेही पर छापेमारी कर 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को उनके पास से 4 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 1 राइफल, 6 मैगजीन, 47 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों पर दर्जनों लूट, जमीन कब्जा मामले में समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बख्तियारपुर में 26 जनवरी को स्वर्ण व्यवसायी विकास कुमार से 20 लाख की रंगदारी मामले में भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कंकड़बाग थाना में बैंक मैनेजर से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में भी 2 लोगों को पकड़ा है। दरभंगा इंजीनियर हत्याकांड के मास्टरमाइंड संतोष झा की सीतामढ़ी में पुलिस ने 25 लाख की संपत्ति जब्त की है। ये संपत्ति जमीन के रूप में है। ये जमीन संतोष झा के पिता के नाम है। संतोष झा को हाल ही में गया जेल से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया है। इंजीनियर हत्याकांड मामले में कुख्यात संतोष झा के शूटर मुकेश पाठक फरार है, जबकि इस मामले में संतोष झा की बहन बहेड़ी की प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी और प्रमुख के पति संजय लाल देव को गिरफ्तार किया जा चुका है। शनिवार को पटना में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पटना वासियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए 155 गाड़ी और 725 ठेला की खरीद के लिए सहमति बनी। आज की महत्वपूर्ण नगर निगम बोर्ड की बैठक थी, उसमें हम लोगों ने बहुत साफ सफाई के मुद्दे को अहमियत दी और पटना नगर निगम के अंतर्गत 155 छोटी व्हीकल जो गलियों तक घरों तक पहुँचे वैसी गाड़ी को खरीदने के प्रस्ताव को पारित किया है, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में भी काम आएगा और सभी वार्डों में 2-2 गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएगी। शनिवार को राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में यूनिवर्सिटी के चांसलर और सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज ईओ, बोर्ड के मेंबर और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन समेत बोर्ड के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। रांची में निगम कर्मचारियों की हड़ताल का 16वां दिन है। इससे पहले शनिवार को रांची नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। संघ ने मांग पूरी नहीं करने पर सोमवार से आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। संघ पेंशन, अनुकंपा पर नौकरी, प्रमोशन समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। रांची में NRHM के अनुबंधित ANM की हड़ताल जारी है। शुक्रवार को देर शाम मिशन डायरेक्टर के साथ हड़ताली नर्सों की वार्ता बेनतीजा रही। उन्होंने आश्वासन दिया, उसे हमने कहा कि हमें लिखित रूप से दिया जाए,
हमारा समायोजन आप करेंगे कि नहीं, सीपीएफ जीपीएफ में कटौती करेंगे कि नहीं, हमारा जो मतलब चार सूत्री मांग है उस पर आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता, अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठूंगा और दो दिन का वक्त दीजिए, मैं निर्णय लूंगा और आप लोगों को मंडे को डिसीजन दूंगा। लेकिन हम लोग इस उत्तर से या इस जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं है। शनिवार को झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पिछले साल हुए पटना बैठक के फैसलों की समीक्षा की गई, साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न मुद्दे पर दिए गए दिशा निर्देशों पर भी चर्चा हुई। बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण, आतंकवाद, नक्सल समस्या, हरित क्रांति जैसे मसलों पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के अलावा बिहार के गृह सचिव, ओडिशा के विकास आयुक्त, पश्चिम बंगाल के गृह विभाग के प्रधान सचिव शामिल हुए। झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित कई आला अधिकारियों ने शिरकत की। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की फाइनल बैठक अब अप्रैल मई में रांची में ही होगी। नेशनल हाईवेज के मेंटेनेंस के लिए जो फंड मिलता है वो इनसफिशिएंट है, मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने 27 जनवरी को पलामू के काला पहाड़ी में हुई नक्सली हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है। के एन त्रिपाठी ने डाल्टनगंज के एसएसपी और पलामू के डीआईजी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ठीक से ड्यूटी की निर्वहन नहीं करने के कारण इस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो और तब तक एएसपी और डीआईजी को, पलामू एएसपी और पलामू रेंज के डीआईजी को निलंबित रखा जाए। शनिवार को पलामू में पुलिस बहाली को लेकर आए अभ्यर्थियों ने डाल्टनगंज में जमकर बवाल किया। अभ्यर्थियों ने हावड़ा जबलपुर ट्रेन में बैठने को लेकर हंगामा किया और पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी पर पथराव भी किया। गुमला के पतिया गांव के ग्रामीणों ने उग्रवादियों और अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला लिया है। पीएलएफआई के उग्रवादियों के इलाके में बढ़ती गतिविधियों के बाद गांव में ग्रामीणों ने एक बैठक की जिसमें उग्रवादियों से एकजुट होकर मुकाबला करने का फैसला किया गया। प्रशासन ने ग्रामीणों के इस पहल की सराहना की है, लेकिन साथ ही ग्रामीणों से कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील भी की है। अपराधियों के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त इनको नहीं दी जाएगी। और पुलिस के सहयोग से यदि कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं तो पुलिस सदैव इनकी सेवा के लिए तत्पर है। झारखंड के ऊर्जा विभाग ने राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार का दावा किया है। ऊर्जा विभाग के अनुसार राज्य में कुल 2100 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, जिसमें 1950 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही है। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष कार्य योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत झारखंड के 100 सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर सहमति बन गई है। प्रोजेक्ट भवन से लेकर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को रूफ टॉप योजना से जोड़ने का खाका भी तैयार कर लिया गया है। देश में लोकपाल बिल और झारखंड में सशक्त लोकायुक्त की मांग को लेकर अन्ना समर्थकों ने शनिवार को रांची में हस्ताक्षर अभियान चलाया। दिल्ली में आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में पहली बार झारखंड को सिल्वर मेडल मिला है। 8वीं के छात्र तालीम अंसारी ने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सहयोग और कड़ी मेहनत की बदौलत झारखंड का नाम रोशन किया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने तालीम अंसारी को सम्मानित किया। इस दौरान उसे 9000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज 16वीं बार मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के सामने अपने विचार रखेंगे। आकाशवाणी से इसका प्रसारण सुबह 11 बजे किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अगले बजट में सरकार लोक लुभावन कदमों से बचेगी। रिफॉर्म की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सिंचाई और प्रोडक्शन बढ़ाने पर होना चाहिए। फरवरी के आखिरी में बजट आने की उम्मीद है।
दलित स्टूडेंट रोहित वेमुला के कथित सुसाइड मामले में शनिवार को भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने शाम को नींबू पानी पीकर अनशन तोड़ा। इसके बाद राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जो हुआ वही गांधी जी के साथ हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पठानकोट आतंकी हमले की अपनी जांच उनका देश जल्द ही पूरा करेगा और इसे सार्वजनिक भी करेगा। उन्होंने बताया कि हमले से भारत के साथ वार्ता में खलल पड़ी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद सही दिशा में बढ़ रही थी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े मालवणी मॉड्यूल की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस को बड़ा झटका लगा है। एटीएस उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से पकड़े गए जिस संदिग्ध को भारत के अलग अलग राज्यों से पकड़े गए 14 संदिग्धों का नायब अमीर बता रही थी, उसकी उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके चलते अदालत ने शनिवार को उसे बाल सुधार गृह में भेजा है। महाराष्ट्र एटीएस ने कुशीनगर से गिरफ्तार किए संदिग्ध को दूसरी बार रिमांड के लिए पेश कर अदालत को बताया कि भारत में इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के मददगारों के मॉड्यूल में मुदबिर शेख के बाद दूसरे नंबर पर है। संगठन ने इसे नायब अमीर के तौर पर जाना जाता है। युवकों को बरगलाकर आईएस से जुड़ने के लिए मनाना और उनकी आर्थिक मदद करना इसी के जिम्मे था। सरकार ने आम बजट से पहले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 1 रुपये और डीजल पर 1.50 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है। इस महीने पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पाद शुल्क में यह तीसरी बढ़ोतरी है, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 3,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। उत्पाद शुल्क में इस बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल का खुदरा मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि इसे पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम में होने वाली संभावित कटौती के बदले समायोजित कर लिया जाएगा। स्वच्छ गंगा और ग्रामीण सहभागिता को लेकर शनिवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नेशनल कन्वेंशन शुरू हुआ। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कन्वेंशन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा को गांव नहीं बल्कि शहर और फैक्ट्री से निकलने वाला पानी गंदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई के लिए सरकार अगले 4 सालों में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गंगा के किनारे के गांव की रक्षा के लिए हमने डिफेंस मिनिस्ट्री से 4 बटालियन मांगी है, जिसमें से 1 बटालियन हमें मिल गई है और ये हमारे महत्वपूर्ण स्थानों पर ये नौजवान रहेंगे। ये देश की रक्षा का काम तो करते ही है, ये गंगा की रक्षा का भी काम करेंगे और इसलिए इन्होंने मुस्तैदी से अपना काम करना शुरू कर दिया है और कई जगह पर इनकी नियुक्ति हो भी गई है।